कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप ये मत घबराइए कि मेरी फोटो जो कि इंटीमेट थी या मेरी वीडियो जो कि इंटीमेट थी वो कोई बाहर निकाल देगा तो मेरे पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, सोशली लोग मुझे बिल्कुल मतलब बाहर कर देंगे, अवॉइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, रुकिए। वो कहते हैं ना आपको मैं तेरी वीडियो या फोटो वायरल कर दूंगा, उसको एक ही बात बोलनी है, कर दे। मैं बोलूं क्यों कह रहा हूं मैं आपसे कि कर दे, पैसे नहीं देने, ध्यान रखना ब्लैकमेल कर रहा है, गलत काम नहीं, तेरी जो इच्छा में हो जो कर ले। क्यों? कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज भी ना 3 या 4 दिन ही लोग याद रखते हैं, तो इतनी सी बात के लिए अपनी जिंदगी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, आप उसको बोलेंगे ना, हिम्मत दिखाएंगे, तेरी जो इच्छा हो जो कर ले। पहली बात तो उसकी खुद की हालत खराब होगी, मैं आपको बताऊं क्यों। ऐसा अगर कोई काम करता है और अगर आपने साइबर सेल को शिकायत कर दी या पुलिस को शिकायत कर दी तो वो पकड़ा जाएगा, तो ये इतना आसान नहीं होता, जिसके पास फोटोज या वीडियोज होती है इतना आसान नहीं है कि वो पब्लिक कर देगा। लेकिन याद रखिएगा, जब आप सामने निकल के आते हैं ना, एक तो आपने क्या किया, उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आई, उसकी बातों में नहीं आई, और उस आपने हिम्मत दिखाई उसको, और जब आप हिम्मत दिखाते हैं तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन चक्रों में फंसते हैं, तो उनमें भी हिम्मत आती है कि नहीं यार हम भी लड़ सकते हैं, प्यार किया था, गुना नहीं किया था, फंस गया वो अलग बात है, लेकिन इन चक्कर में अब और नहीं फंसूंगा, मैं बताऊंगा लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ था। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है देना नहीं,